जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने चैप्टर लेके आए हैं हिंदी भाषा। क्या यानी हिंदी भाषा का ये चैप्टर है और इससे संबंधित आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपसे बता दें ये भारोपी परिवार की भाषा है, जो अपनी हिंदी है ये भारोपी परिवार की भाषा है। अगर इसकी लिपि पूछ दे तो लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि? देवनागरी। ठीक, तो चलते हैं, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए पार्ट पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलते हैं आगे। उससे पहले थोड़ा इससे संबंधित व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन सीधा न बन के थोड़ा इसकी व्याख्या से संबंधित भी बन जाता था। देखिए कह रहा है यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएँ इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपी भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या का लगभग आधे लोग 45% भारोपी भाषा बोलते हैं। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था? कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो आपसे बता दिया कि हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है और 45% लोग इसी परिवार की भाषाओं का यूज करते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखो क्या कह रहा है, सबसे अधिक बोले जाने वाली। तो आपको पता होगा कि हिंदी भारत में सबसे अधिक, हिंदी भाषी लगभग 10 राज्यों में हिंदी जो है वहाँ की राजभाषा या सहयोगी भाषा के रूप में कार्य करती है। तो इस वजह से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? हिंदी। अगर विश्व में कहे तो विश्व में मंदारिन यानी चीनी भाषा जो है वो सबसे अधिक। तो इसमें कौन सा सही है? ए पार्ट पूरी तरीके से सही है। ठीक, ध्यान रखना। देखिए लिखा भी है, क्या कह रहा है कि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। कैसी? आधिकारिक भाषाओं में से एक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अब कह रहा है जन्म किससे हुआ। तो आपसे बता दें हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो सबसे पहले अगर आदि जननी कहे तो संस्कृत। ठीक, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद ठीक प्राकृत। ठीक, और फिर उसके बाद सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सी? सौर सैनी अपभ्रंश। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदी का जन्म इससे हुआ। और सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। ये क्रम भी ध्यान रखना। क्या? संस्कृत, पाली, प्राकृत, सौर सैनी अपभ्रंश। तो इसमें कौन सा सही है? हमारा ए पार्ट पूरी तरीके से सही है। देखिए नीचे क्या कह रहा है कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत के बोलचाल में बोलचाल और साहित्य रचना का सबसे जीवन और प्रमुख भाषा लगभग कब? 12वीं शताब्दी में। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। देखिए क्या कह रहा है, आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। तो यानी अगर कहा जाए तो सबसे पहले हमने बताया क्या, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत। ठीक, संस्कृत के बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत और फिर उसके बाद सौर सैनी अपभ्रंश। तो हिंदी की उत्पत्ति इससे, बाकी आदि उत्पत्ति या सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, इसका क्रम भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से
कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अंतर्गत थोड़ा इस तरीके से लिखा जाएगा, अंतर्गत नहीं आती। तो देखते हैं, जो हिंदी के अंतर्गत ये आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, तो इस हिसाब से ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही। देखते हैं क्या कह रहा है कि हिंदी की अनेक बोलियां हैं और उन्हीं बोलियों को हम लोग क्या कहते हैं, उपभाषाएं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं और अगर भाषाएं कह दे तो 22 भाषाएं हैं। ठीक, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में इनका जिक्र किया गया है, ध्यान रखना। ठीक, आर्टिकल 343। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुमायूनू, मगही आदि ये बोलियां हैं। ठीक, इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है, बिल्कुल सही। जैसे अगर देखा जाए तो उच्च श्रेणी में अगर देखा जाए तो ब्रज और अवधी, इसमें उच्च साहित्यों से इनकी रचना की गई। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। आगे देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की विशिष्ट बोली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो जो ब्रज भाषा है वो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा काव्य की रचनाएं ब्रज भाषा में भी की गई हैं। तो इस वजह से हिंदी की ये जो बोली है विशिष्ट, कौन सी बोली, ब्रज भाषा, तो सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा। कवियों ने इस भाषा में बहुत सी रचनाएं की हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है। सूरदास जी, ठीक, रसखान जी, ये ब्रज भाषा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखना कि किस उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा ये हरियाणा व राजस्थान के भी कुछ जनपदों में बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, प्रचुर मतलब पर्याप्त। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही है। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषाओं में लिखी, जिनमें से प्रमुख कवि हैं सूरदास जी, रहीमदास जी, रसखान जी, केशव जी, घनानंद जी और बिहारी जी। ठीक, इन लोगों ने यानी किस भाषा में, ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ए ऑप्शन राजभाषा, बी ऑप्शन राष्ट्रभाषा, सी ऑप्शन विभाषा, डी ऑप्शन तकनीकी भाषा। तो आपसे बता दें कि राजभाषा के उसमें रखेंगे, अपने अभी राष्ट्रभाषा किसी को दर्जा नहीं मिला है, यानी कोई नहीं है अपनी राष्ट्रभाषा, लेकिन राजभाषा का दर्जा यानी राजभाषा जो अपनी है वो कौन सी है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं, क्योंकि ये ध्यान रखना तमिल यानी साउथ के लोग थोड़ा बहुत विरोध करते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में। ठीक, सबसे ज़्यादा विरोध में साउथ के यही राज जाते हैं। तो इस तरीके से हिंदी को आप राजभाषा के उसमें रखेंगे। राजभाषा क्या, जिस भाषा में सारे कार्य काज हों, ठीक, उसको राजभाषा कहते हैं। आगे देखते हैं अगला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इसमें कौन सा सही, ए पार्ट से व्याख्या देखिए, तो राजभाषा में रखेंगे। अगला देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो है वो किस तरफ की बोली को बोलते हैं।
तो ध्यान रखना राजस्थान की तो है ही है ढूंढाड़ी। तो अब उसमें कह दिया कि क्या कह दिया कि किस एरिया की है यानी ढूंढाड़ी बोली। तो अब ये देखिए ऑप्शन दे रहा है क्या, ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी और डी उत्तरी। तो कौन से राजस्थान की ढूंढाड़ी को बोलते हैं, तो आप बताइए पूर्वी या पश्चिमी। ठीक, पूर्वी की पश्चिमी। देखिए पूर्वी राजस्थान की भाषा को हम लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं। ठीक, थोड़ा वैसा क्वेश्चन था, आसानी से नहीं यानी क्योंकि सब दिशा वाइज पूरे स्थल दे दिए थे पूर्वी दक्षिणी उत्तरी, तो पूर्वी राजस्थान की जो बोली है उसको ढूंढाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ी। ठीक, ध्यान रखना। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी को एक इंडो आर्यन भाषा है यानी जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से तीन जिले हैं, जयपुर, करौली, डींग और सवाई माधोपुर और दासों और टोक। तो ज़्यादातर जयपुर और करौली, ये अपना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। क्या कह रहा है कि ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ब्रजबुली ए ऑप्शन पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। तो आपसे बता दें पुरानी बांग्ला को जो है वो ब्रजबुली भाषा के नाम से जाना जाता है। अपने यहाँ अगर हिंदी के बाद कोई भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो बांग्ला और भोजपुरी ही है। ठीक, चलते हैं आगे, तो इसमें कौन सा है, डी पार्ट। ठीक, देखिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, यानी हिंदी की देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो आपके ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन है ए गुजराती, ए ऑप्शन क्या है गुजराती, बी उड़िया, सी कौन सा, सी है मराठी और डी है सिंधी। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा इसमें देवनागरी की उसमें लिखी जाती है। तो अगर आपसे बता दें, ये देखिए कौन सी भाषा, मराठी भाषा जो है वो बोली जाती है, सिंधी नहीं, क्योंकि मराठी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ यानी हिंदी के माध्यम से या उनकी सहयोगी भाषा जो है वो हिंदी है, तो इस हिसाब से मराठी ऑप्शन सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या अगर देखें तो व्याख्या भी देख सकते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या में, कह रहा है ये देखिए, कह रहा है कि देवनागरी जो भारत की सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत हिंदी मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं, और इस शब्द का पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, जैन ग्रंथों से मिलता है। तो ध्यान रखना अगर देवनागरी की उसमें पूछा जाए तो आपसे तीन भाषाएं, कौन सी भाषाएं, तीन आपसे बता दें कि तीन भाषाओं का जिक्र किया गया, वो तीन भाषाएं ये हैं। ठीक, चलते हैं आगे और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि देखिए किस तरीके से वाक्य पूछा गया है, और ये वाक्य पूछा भी गया एग्जाम में सम इंस्पेक्टर 2002 में। एक मनई के द्वि बिटवे रहीं, ओमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन म जौन हमार बखरा लागत होए, तवन का हमका दे दो। अवतरण में ये किस बोली का शब्द है, तो आपसे बता दें कि ये अवधि बोली का शब्द है। किसका है, अवधि का। ठीक, तो यानी इस तरीके से अगर कोई
वर्ड आ जाए कैसा, कि जैसे एक मनई के तुई बिटवा रहिन रहिन लिहिन दिहिन है ओमा लहुरा अपने बाप से कहिस, ठीक हमारा जो लागत हो वो हमका दे दे। तो इस तरीके से अगर आ जाए तो अवधि मुख्य क्षेत्र अयोध्या और इसके अलावा लखनऊ एरिया अवध का क्षेत्र, ठीक। तो यानी मुख्य एरिया जो है अवधि का अयोध्या, ठीक, यानी अवध का क्षेत्र और इसमें लखनऊ उखनऊ भी शामिल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ठीक। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो आपसे बता दें कि इसमें खड़ी बोली जो है वो संस्कृत भाषा की खड़ी, बताइए संस्कृत भाषा की कह रहा है अपभ्रंश, तो गलत बोल दिया हमने। इसमें आपको कौन, पाली, कौन सी लगेगी, पाली, ठीक। तो डी पार्ट पूरी तरीके से सही है। ये देखिए क्या कह रहा है कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी, ठीक। ये ध्यान रखना, आर्य भाषा अंतिम अवस्था थी प्राकृत आधुनिक भाषाओं के बीच, आपसे स्वयं बताया था। ये देखिए किस तरीके से, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, ठीक। और ये सभी शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी, पाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ, तो आपसे बता दें किस लिपि में हुआ, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, ये ऑप्शन सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है, तो सबको पता है लिखने का तरीका, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ध्यान रखना, ठीक। देवनागरी लिपि मतलब इस तरीके से चल के, ठीक, फिर यहाँ से आके फिर ऐसे, और कुछ लिपियाँ ऐसे करके इस तरीके से लिखते हुए जाती हैं तो वो नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कौन सी, देवनागरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, सबको पता होगा खड़ी बोली इस समय प्रचलित रूप है, तो सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी आपसे बता दें कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, किस हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी, ठीक। ये देखिए अगर आपको दोबारा आ जाए तो अच्छे से ये देखिए, पूर्वी हिंदी में कौन कौन आएगा, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीन याद रखना पूर्वी हिंदी में। एक पश्चिमी हिंदी भी है तो तुम पूर्वी को ध्यान रखना, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक। ये देखिए तो पूर्वी हिंदी की तीन मेन भाषाएं हैं, इसको फिर से अच्छे से पढ़ लेना, यही एग्जाम में पूछता है कौन कौन, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो अभी आया था, कौन आया था, अवधि, बघेली, ठीक, और छत्तीसगढ़ी, ठीक। तो ये हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा थी, तो अब इसमें कह रहा है कौन पश्चिमी की नहीं है, तो देखिए आपको अवधि, बघेली या छत्तीसगढ़ी कोई ऑप्शन मिला, तो ये देखिए बघेली ऑप्शन मिल गया, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, ठीक। ये देखिए अब आपको बता रहा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आएगा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज बोली, ये सम्मिलित है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, और बघेली किस में संबंधित है, ये
आपकी पूर्वी हिंदी का विषय है, ठीक, यानी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी में केवल कितनी, 3 भाषाएं आपको बताया ही था। आगे देखिए, कह रहा खड़ी बोली अपने मूल रूप से मेरठ बिजनौर के आसपास बोली जाती है। ये भी पूछ देता है कि खड़ी बोली का मेन क्षेत्र कौन है, तो मेरठ और बिजनौर, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो 343 से लेकर 351 तक बताया गया है हिंदी भारत की राजभाषा 343 में, ठीक। और ये याद रखना कि किस अनुसूची में जिक्र हुआ है, 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र हुआ है, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ, तो दक्षिण भारत में कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, कहाँ पर, चेन्नई में स्थित है, तो ये ध्यान रखना, तो दक्षिण भारत में चेन्नई में स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं, ये देखिए अगर इसकी व्याख्या देखें तो एक बार, 1964 में संसद अधिनियम द्वारा सभा में राष्ट्रीय महत्व संस्था घोषित किया गया, ठीक। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, प्राचीन नाम मद्रास में। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांत, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी भाषा विकास से सही अनुक्रम कौन सा है, आपको बताया था सबसे पहले संस्कृत, ठीक, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक, अपभ्रंश। तो इस हिसाब से अब संस्कृत अगर इसमें हम जोड़ देंगे संस्कृत, तो ये देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो आपसे बता दें किस विषय का वर्णन किया गया है, तो इसमें क्या भाषा का वर्णन किया गया है, तो इसमें किया गया है हिंदी के विकास के निर्देशों का, ठीक। भाषा का तो हमने बताया था राजभाषा होगी 343 में बताया गया है, ठीक, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसके विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 351, कौन सा आर्टिकल, 351। तो इस तरीके से हमने 20 इम्पॉर्टेंट MCQ पढ़े, ठीक, और देखिए कि कौन से किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। इसी तरीके से आप आगे भी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, ताकि आप अपने आप को समझ सके कि इन विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।